हे व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे दोस्तों आप अपने एक न्यू यूट्यूब चैनल को यूट्यूब सर्च में ला सकते हैं। दोस्तों जब भी हम एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो गाइस हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक न्यू यूट्यूब चैनल के साथ नहीं करते हैं, फॉर गाइस जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब सर्च में नहीं आ पाता है। इस वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों आप ये करते हो तो गाइस दो दिन के अंदर आप अपने एक न्यू यूट्यूब चैनल को यूट्यूब सर्च में ला सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों न्यू यूट्यूब चैनल सर्च में लाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका यूट्यूब चैनल मोबाइल नंबर से वेरीफाई होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो न्यू यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स रहती हैं वो सारी की सारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने एक न्यू यूट्यूब चैनल को सर्च में ला सकते हैं। नंबर वन दोस्तों, चैनल का यूनिक नेम। दोस्तों आपको अपने चैनल का नाम यूनिक रखना है। ऐसा नाम दोस्तों जो कि यूट्यूब पे आज तक किसी ने रखा ही ना हो। अगर दोस्तों रखा है तो गाइस आपको करना क्या है, आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करना है। जितने भी टॉप के चैनल्स आ रहे हैं आपको देखना है उनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। अगर दोस्तों उनके सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, 50 से कम है, तो गाइस आपने जो चैनल का नाम रखा है वो सही रखा है, जल्दी यूट्यूब सर्च में आ जाएगा। कैसे आएगा अभी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। लेकिन दोस्तों जो टॉप पे चैनल्स आ रहे हैं अगर उनके सब्सक्राइबर्स दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई हैं, 100 से लेके 1000 तक, तो गाइस हो सकता है आपका चैनल सर्च में ना आए। इसका कारण है वो दोस्तों कस्टम यूआरएल। जब दोस्तों आपके 100 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो गाइस आपको यूट्यूब की ओर से कस्टम यूआरएल मिल जाता है। तो गाइस कस्टम यूआरएल मिल जाता है तो गाइस जॉन ने कस्टम यूआरएल लिया है तो गाइस उसका चैनल फर्स्ट में आता है, जॉन ने नहीं लिया उसका चैनल फर्स्ट में नहीं आता है। इसलिए गाइस मैं आपको कह रहा हूँ जितने भी टॉप पे चैनल्स आ रहे हैं उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए, तभी आपका चैनल फर्स्ट में आएगा। नंबर टू दोस्तों, आपको हर दिन अपने वीडियोस का अपलोड करना है। दोस्तों जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो गाइस हमको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो के टैग लगाना होता है। तो गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने चैनल का एक हैशटैग बनाना होगा। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल मेरे चैनल का नाम है ऑल टाइम हेल्थ, तो गाइस मैंने हैशटैग बनाया है हैशटैग ऑल टाइम हेल्थ। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जो भी आपका चैनल का नाम है वो दोस्तों हर वीडियो के टैग में लगाना होगा। और दोस्तों जो आपने अपने चैनल का हैशटैग बनाया है वो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाना है। इससे आपका चैनल बहुत ही जल्दी यूट्यूब सर्च में आने लगेगा। नंबर थ्री वो है दोस्तों चैनल कीवर्ड्स। दोस्तों अगर अभी तक आपने न्यू चैनल पर कीवर्ड्स नहीं लगाए हैं तो गाइस कीवर्ड्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आएगा। तो गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम कॉपी करना है और चैनल कीवर्ड्स में पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अलग अलग तरीक़ों से अपने चैनल का नाम लिखना होगा चैनल कीवर्ड्स में। तो गाइस किस तरह से लिखना मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा ऑल टाइम हेल्प है, मेरा चैनल का नाम हो गया। फिर गाइस मैंने अगल तरीके से मेरे चैनल का नाम लिखा, जैसे कि ऑल, फिर मैंने स्पेस दिया, फिर मैंने लिखा टाइम, फिर स्पेस दिया, फिर हेल्प लिखा है। इस तरह से भी दोस्तों व्यूअर सर्च कर सकता है मेरे यूट्यूब चैनल, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया और कॉमा लगा दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने ऑल टाइम हेल्प, फिर ऑल टाइम हेल्प वीडियोज़ और हैशटैग ऑल टाइम हेल्प, ये भी मैंने हैशटैग भी लगा दिया, क्योंकि दोस्तों हैशटैग से भी व्यूअर आपके यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकता है। तो गाइस मैंने इस तरह से कुछ कीवर्ड्स मैंने अपने चैनल पे लगाए हैं। तो गाइस आपको इतने कीवर्ड्स तो लगाने हैं, आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं। आपका चैनल किस कैटेगरी से रिलेटेड है, अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो गाइस टेक्नोलॉजी, गैजेट्स रिव्यू और भी दोस्तों स्मार्टफोन रिव्यू, इस तरह के और भी कीवर्ड्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कीवर्ड्स लिखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आएगा। आप चाहें तो इतने कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं, इतने भी काफ़ी हैं यूट्यूब चैनल सर्च में आने के लिए। ओके दोस्तों, मैंने आपको तीन चीज़ें बता दी हैं जिससे आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आने लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने चैनल का हैशटैग लगाना है, हर वीडियो के टैग में आपको अपने चैनल का नाम लिखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या है, चैनल अबाउट्स में आपको सोशल मीडिया के लिंक्स लगा देनी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सोशल मीडिया के लिंक्स लगा देनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका एक न्यू यूट्यूब चैनल है, अभी आपने 2-3 वीडियोस ही अपलोड किए हैं, अगर दोस्तों उन वीडियोस पर यूट्यूब सर्च से कोई भी व्यूज़ नहीं आए हैं तो गाइस हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल भी सर्च में न आए। जैसे दोस्तों आपके वीडियोस पर व्यूज़ आने लगेंगे तो गाइस आपका यूट्यूब चैनल भी यूट्यूब सर्च में आने लगेगा। तो गाइस ये थी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब सर्च में आने लगेगा। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।